हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन के फ़ोटो को मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड में कैसे डालें, कैसे कॉपी करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आप चेक कर लेना एसडी कार्ड शो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एसडी कार्ड है, मेमोरी कार्ड, और यहाँ पर है इंटरनल स्टोरेज, फ़ोन स्टोरेज। तो हम सबसे पहले फ़ोन स्टोरेज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको वहाँ पर जाना है जहाँ पर आप फ़ोटो रखे हैं, फ़ोटो जहाँ पर है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो फ़ोटो हैं, आपके पास जितने भी हैं आप सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए एक को सेलेक्ट करते हैं। देखिए सेलेक्ट कर लिया, इस पर आप टैप किए रहेंगे, इस तरह दबा के रखेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार का, या फिर सेलेक्ट ऑल का, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, नीचे मिलेगा या फिर ऊपर, कॉपी और मूव का या कॉपी और कट का। तो अगर आप मूव या कट करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, आपके एसडी कार्ड में जाकर वहाँ पर चला जाएगा। अगर आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पर भी कॉपी रहेगा, वहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा। तो हमें कॉपी करना है तो हम कॉपी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एसडी कार्ड का ऑप्शन आएगा, एसडी कार्ड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए आप चाहे तो ऊपर प्लस वाले इस ऑप्शन पे या फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नया फोल्डर बना सकते हैं। तो हम नया फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पर नए फोल्डर में आप आ जाएंगे। अब नीचे आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा या ऊपर भी हो सकता है, तो आपको सिंपली पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हम गाइस बैक आते हैं। अब चलिए चेक करते हैं फ़ोटो कॉपी हुआ है कि नहीं। तो एसडी कार्ड पे क्लिक करते हैं अपने मेमोरी कार्ड पर। न्यू फोल्डर जो हमने बनाया था यहाँ पर है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फ़ोटो यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।